बात रखने का हक है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हरियाणा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने का दावा किया। और इसी के साथ सीएम ने कहा कि भाषा की मर्यादा का सभी को ख्याल रखना चाहिए, बंगाल में गुंडाराज का माहौल है, इस पर भी सीएम ने तंज कसा। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बता दें कि अब हरियाणा में हुए चुनावों के बाद सीएम पंजाब के चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज फतेहगढ़ साहिब में शाम 5 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सभी को अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात रखने का हवाला दिया और लोकतंत्र में सभी को हक है अपनी बात रखने का। और बंगाल में गुंडाराज का माहौल है, यह भी कहा सीएम मनोहर लाल खट्टर। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं, हालांकि फरीदाबाद में रीपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का रोड शो चल रहा था और उस रोड शो में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हताशा के परिणाम स्वरूप जो रोड शो पर हमला किया उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वास्तव में हमारे देश में लोकतंत्र का एक यही विशेषता है कि यहाँ अपनी बात को कहने की, सबको अपनी एक जिसको कहना चाहिए आज़ादी है अपनी बात को। चुनाव के समय पर खास करके हमें अपने अपने दलों के नाते से जो बात कहनी होती है, विरोध भी करना होता है, तो मर्यादा में रह करके बातचीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से विरोध करें। और ये वास्तव में बंगाल प्रदेश में जब से वामपंथी दलों का शासन रहा उस समय से लोग इस प्रकार के हिंसा में मारे जाते रहे हैं, लेकिन वामपंथी चले जाने के बाद भी आज तृणमूल कांग्रेस के शासन में ममता जी ने उसी प्रकार का रवैया अपना करके और एक जो गुंडई राज किया हुआ है बंगाल में, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हरियाणा की बात कहूँ, हरियाणा के हमारे चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए, किसी प्रकार की कोई घटना ऐसी नहीं हुई। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने और मैं तो जनता के लोगों को भी और इवन सभी राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सबने अपने मतभेद होते हुए भी, विचारों के मतभेद होते हुए भी, लेकिन इस मामले में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए हैं। ये ममता जी की बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि बंगाल में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव बढ़ रहा है और मैं मान के चलता हूँ लगभग 25 सीटें बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस बार जीतने की संभावना बनी है।